आप बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। जलदाय विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बजाज नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जी कागजातों के आधार पर टेंडर हासिल करने का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। राजधानी जयपुर के बजाज नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जी कागजातों के आधार पर टेंडर हासिल करने का ये पूरा मामला है और इस मामले को लेकर गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है। बड़ी खबर है, जलदाय विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें एक बार फिर से, गणपति ट्यूबवेल कंपनी, इस कंपनी का नाम जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है और मामला है फर्जी कागजातों के आधार पर टेंडर हासिल करने का। जयपुर के बजाज नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। एक बार फिर से आपको बता दें, एफआईआर दर्ज करवाई गई है गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खिलाफ। बजाज नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। फर्जी कागजातों के आधार पर टेंडर हासिल करने का ये पूरा मामला है। इस मामले को लेकर एक एफआईआर, एक मामला, एक मुकदमा दर्ज करवाया गया है गणपति ट्यूबवेल कंपनी के खिलाफ। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नरेश जी, गणपति ट्यूबवेल कंपनी का नाम पहली बार नहीं है जब सामने आया है, लेकिन अब एफआईआर इस पर दर्ज हुई है, मुकदमा किस बिनाद पर? देखिए, लंबे वक्त बाद एफआईआर दर्ज हुई है। ये एफआईआर करीब एक महीने पहले दर्ज होनी थी, क्योंकि जलदाय विभाग के जो अधिकारी है वो पहले ही शिकायत लिख के देख चुके हैं और सूचना लिख के दे चुके हैं एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन लंबे वक्त के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। गणपति ट्यूबवेल कंपनी वही कंपनी है जिस पे आरोप है कि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जलदाय विभाग के बड़े ठेके लिए थे और एसीबी की भी कार्रवाई हुई है, ईडी के भी छापे हुए थे और हालांकि कंपनी के काम रोक दिए गए थे, तमाम जो टेंडर वो निरस्त किए गए थे, ब्लैकलिस्ट भी किया गया है और लेकिन अब कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। तो जब एफआईआर दर्ज हो गई है अब तो अब इसको कानूनी रूप से इस पर कार्रवाई की जाएगी और आपराधिक मामला होता है कोई भी जो फर्जी कागजात तैयार करके और सरकार के इस तरह के टेंडर हासिल करना, तो अब उम्मीद की जा सकती है कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो कार्रवाई भी आगे बढ़ेगी और जो भी इसमें दोषी शामिल है, चाहे वो ट्यूबवेल कंपनी के जो मालिक है या उनके जो भी अधिकारी है जिन्होंने ये तमाम फर्जी कागजात बनवाए थे, या फिर ऐसे जलदाय विभाग के भी ऐसे अधिकारी कर्मचारी हो सकते हैं जो इसमें शामिल थे, तो ये तमाम अब जांच का विषय है और पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी तो कड़ी से कड़ी जोड़ी जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी रहे हैं टेंडर हासिल करने में, फर्जी कागजात बनाने में, तमाम डॉक्यूमेंट तैयार करके ऐसे कह सकते हैं कि फर्जी तरीके से टेंडर हासिल करने में, तो उन पे आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है नरेश जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।